तो बचास बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में अब विस्तार से खबरों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना तो जैसे कांग्रेस की आदत सी बन गई है। अब लगता है कि कांग्रेस पीएम मोदी के अपमान से मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान में सत्ता हासिल करना चाहती है। पीएम मोदी को गालियां देने वालों की फेहरिस्त में कांग्रेस के दो और नेताओं के नाम अब जुड़ गए हैं इस लिस्ट में, अशोक गहलोत और सुबोध कांत सहाय। आपत्तिजनक बयान दोनों ने ही दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता वापसी का इंतजार कर रहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटबंदी को पीएम मोदी की नाकामी बताया और कहा कि जनता पीएम मोदी का चौराहे पर इंतजार कर रही है। तो वहीं सुबोध कांत सहाय भी पीएम पर निशाना साधते साधते मर्यादा की सीमा ही लांघ गए। नोटबंदी कर दी और भावुक होकर के एक बार सुना अपने प्रधानमंत्री जी को बोले कि मुझे आप 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में मैं सब ठीक कर दूंगा, नहीं तो मैं चला के खड़ा होऊंगा, आप क्यों चाहो सजा मुझे देते हो, झटका दो मुझे। अब पूरे देश के हर चौराहे वाले इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी हमारे चौराहे में कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। ये एक नया राजनीति का दौर जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है, उसके ये तमाम जितने भी भाजपा राज हैं, मैं समझता हूं कि वो सब अगर वो मदाड़ी हैं तो इन लोग जमूरे की हैसियत से सब वही राग अलापते हैं, 10 कदम आगे बढ़ के अलापते हैं। और एक उसके कारण है, घर जाके लोगों ने जब देखा तो उसमें तो काला राख में मिट्टी मिला, लेकिन मदाड़ी आता है तो बाजार में वो बेच के चला जाता है। जमूरे जो है इनके, जो जितने सरकार चला रहे हैं ये मंत्री और मंत्री, तो इनके जो है वो जमूरे लायक भी नहीं बचे हैं, क्योंकि वहां भी पीएमओ सरकार चलाती है। तो कांग्रेस नेता जिस तरह पीएम मोदी पर हमलावर हो रहे हैं, एक के बाद एक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जिक्र खुद पीएम ने मध्य प्रदेश में विदिशा की रैली में किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस गाली गलौज पर उतर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मां को गाली देने से कांग्रेस का काम नहीं चला तो उनके मृत पिता का नाम भी चुनाव में कांग्रेस घसीट रही है। कोई मेरी मां को गाली दे, कोई मेरी जाति को लेकर के सवाल पूछे, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है। उनके इशारे पर, उनके इरादे पर कुछ नहीं होता है, ऐसा कांग्रेस को सब मालूम है किसके कहने पर होता है। अरे कोई चूचा नहीं कर सकता जिस पार्टी में। और भाई जब गुजरात का चुनाव हो रहा था वहां पर भी मेरी जाति को लेकर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था, फिर लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद आग गले लग गया। तो ऐसे शब्दों पर पलटवार किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि लगता है कि कोई दूसरा मुद्दा शायद अब कांग्रेस के पास बचा ही नहीं है। चलिए बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से मौजूद है जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे और जयपुर से जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अंकित आपके पास आना चाहूंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी तो एक तरफ कहते हैं कि ये इस तरह के बयान हमारे आदर्शों के खिलाफ हैं, हमारे सिद्धांत इस तरह के बयानों को अलाउ नहीं करते, लेकिन लगातार कांग्रेस ऐसे ही बयानों का सहारा ले रही है या फिर साफ कहें कि अब शब्दों का ही सहारा ले रही है जनता के बीच में जाने के लिए। बिल्कुल शिरीन, राजस्थान का मिजाज सियासी है, चुनाव में मुद्दे होने चाहिए, मसलों पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात यहां कांग्रेस के बयानवीर कुछ अलग ही कर रहे हैं। उनका निशाना राजस्थान सरकार नहीं, उनका निशाना केंद्र पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, और एक के बाद एक ऐसे बयानवीर सामने आ रहे हैं। फेरिस्त लंबी है कांग्रेस की और लगातार निशाने उस तरीके से साधने जा रहे हैं जो बेहद पर्सनल हो जाते हैं। इस फेरिस्त में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी अब जुड़ गया है, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास राव मुतेमवार, सुबोध कांत सहाय और अब अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। उनका कहना है कि जो भी राजस्थान के रण में आए उससे पहले
वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करें। इससे पहले यह भी जरूरी है कि एआईसीसी में और राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस नेताओं को ऐसी बयानबाजी से दूर रहने के निर्देश दिए थे, लेकिन राजनीतिक लाभ के चलते इन बयानों का दौर जारी है और कोशिश यह की जा रही है कि टारगेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। राजस्थान के रण में इस तरह की सियासत इससे पहले कभी नहीं हुई है, इस तरह के बयान कभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब की बार हाल कुछ बदला हुआ है और लगातार ऐसे बयान कांग्रेस नेताओं की तरफ से सामने आ रहे हैं। सीपी जोशी के मामले को लेकर राहुल गांधी ट्वीट कर नाराजगी जता चुके हैं, वहीं विलास राव मुतेमवार के मुद्दे पर कांग्रेस अब बोलने को तैयार नहीं है। सुबोध कांत सहाय ने जिस तरह से पूरी पीएमओ और कैबिनेट को सवालिया निशान खड़े किए, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोटबंदी को लेकर सवालिया निशान उठाए और कहा कि अब जनता, और इसी दौरान वो पीएम को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आए। चलिए अंकित आप बने रहिए, ब्रह्म प्रकाश भी मेरे साथ बने हुए हैं भोपाल से। ब्रह्म प्रकाश, यहाँ पर तो अंतिम दिन है प्रचार का, लेकिन अगर जब से चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है अगर तब पर नजर डालें तो वाकई ये कहा जा सकता है कि शायद जमीनी स्तर पर कोई मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं था, जिसकी वजह से लगातार या तो बीजेपी या केंद्र सरकार या फिर कहें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमलावर रही कांग्रेस। बिल्कुल आपने सही कहा, और देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो मैं आपको बता दूं इन तीनों राज्यों में ही प्रधानमंत्री ने भी खूब धुआंधार प्रचार किया है और मोर्चा संभाला है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगने लगा कि प्रधानमंत्री इस बीजेपी की तरफ से लीड कर रहे हैं चुनावी प्रचार को, तो बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की स्ट्रेटजी रही है कि अटैक करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और बीते दिनों में आपने जो तमाम नेताओं के बयान देखे हैं, राज बब्बर से लेकर सीपी जोशी से लेकर और आज अशोक गहलोत तक, तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। लेकिन आप देखिए कांग्रेस के नेताओं ने जब जब ऐसी व्यक्तिगत बयानबाजी की है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही इसका घाटा उठाना पड़ा है। चाहे गुजरात चुनाव की बात करें बीते साल में, या फिर अब इन राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका शीरीन नुकसान हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि जनता इस तरह की व्यक्तिगत बयानबाजी पसंद नहीं करती है जिसमें जाति को लेकर हमला हो, जिसमें किसी की माँ और पिता को लेकर हमला हो। इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो व्यक्तिगत हमला के फेवर में नहीं है, कि कोई व्यक्तिगत बयानबाजी ना करे, लेकिन उनके नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के कहने के बावजूद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ तौर पर ये भी जाहिर होता है कि कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा व्यक्तिगत आक्षेप लग रहे हैं, व्यक्तिगत बयानबाजी हो रही है। निजी हमले और हमेशा नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं सुधरती। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी ने पीएम मोदी पर कांग्रेस के नेताओं की आपत्तिजनक बयानबाजी को गलत ठहराया है, तो वहीं जेडीयू ने कहा है कि वो इस तरह के किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। इस तरह की बात करना, इससे घटिया बात क्या हो सकती है? हर व्यक्ति जो इस बात को सुनेगा शर्म आता होगा कि क्या हो गया इनको, क्या हार की आगाज इनको सुनाई पड़ने लगी है कि ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जहां लोग इन पर बहुत गलत नज़रों से लोग देखेंगे कांग्रेस को। जनता दल यू उन्हीं वर्गों की का प्रतिनिधित्व करता है जिनके बाप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हैं। हम मामूली लोगों को हैसियत बढ़ाए जाने के समर्थक हैं। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पयोधि शशि। मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जी न्यूज से खास बातचीत में मध्य प्रदेश में लगातार चौथी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि शिवराज ने राज्य में जितना काम किया वो मिसाल है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मकता से बाज नहीं आ रही है। पीएम मोदी की मां पर कांग्रेस नेता राज बब्बर के बयान को भी राजनाथ सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मंत्री राजनाथ सिंह जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फिर से में सत्ता में वापसी के जो जोर जोर से लगे हुए हैं उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है सर। लगातार तीन बार, अब एक बार फिर से आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश जहां पर आप जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता में वापसी होगी? वैसे मध्य प्रदेश में कई चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुका हूं। जनता का जैसा माहौल है और लोगों के माध्यम से भी जो जानकारी प्राप्त हो रही है,
उस आधार पर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि चौथी बार श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। सर, कहा जाता है कि आप लोग कई बार बोले हैं, आपने अपने रैलियों में बोले हैं कि बीमारू प्रदेश था, उसे विकास की ओर लेकर आए हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी हर शासन में होता है, इस बार शिवराज सिंह चौहान पर, और वापसी काफी मुश्किल हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का विकास शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने मध्य प्रदेश राज्य में किया है वह अपने में एक मिसाल है। और यदि मैं एग्रीकल्चर के फ्रंट पर ही देखूं, जिस एग्रीकल्चर की 2003 में ग्रोथ ऑफ रेट केवल 3% थी, आज उस एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़कर 20% तक पहुंच गई है। यानी देश में किसी भी राज्य की ग्रोथ रेट 20% नहीं है, यदि है किसी राज्य की तो वह केवल मध्य प्रदेश की है। इतना ही नहीं, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी यदि देखें तो 2003 में लगभग 15,000 रुपये पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की थी, अब वह बढ़कर लगभग 80,000 से ऊपर तक की हो गई है। इरिगेटेड लैंड के मामले में यदि हम देखें तो उस समय मुश्किल 46,000 हेक्टेयर भूमि जो सिंचित थी, आज 1,12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि मध्य प्रदेश में सिंचित हो गई। यह श्रेय तो शिवराज सिंह चौहान को देना पड़ेगा कि उन्होंने बखूबी विकास करने में कामयाबी हासिल की। राजनाथ जी, मध्य प्रदेश में मामा नाम से जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ दोनों एक होकर कांग्रेस को शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एकजुट किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि कड़ी चुनौती है इस बार? शिवराज सिंह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहाँ की जनता के साथ उन्होंने एक अपनत्व का रिश्ता स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। और लोग यह मानते हैं कि शिवराज सिंह हमारे हैं और ये हमारे बीच के हैं। विडंबना यह है कि 15 वर्षों तक लगातार चुनाव हारते हारते यह कांग्रेस, मैं ये कल्पना करता था कि अब वह अपनी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ देंगे और सकारात्मक राजनीति के आधार पर कम से कम चौथी बार वह विजय हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी नकारात्मकता से वह बाज नहीं आ रहे। मेरा यह मानना है कि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए तो सकारात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए, नकारात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आपका इशारा कमलनाथ के उस वीडियो की तरफ है? नहीं, वीडियो की तरफ है, वीडियो में जो कुछ भी कहा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज को जाति मजहब अथवा पंथ के आधार पर बांट कर हम सरकार बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा घातक और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, अब हमारे प्रधानमंत्री की माताजी के ऊपर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इस सीमा तक नीचे जाना चाहिए चुनावी कामयाबी हासिल करने के लिए? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री या अपने विरोधियों पर, अपने पार्टी के नेताओं को कहते हैं कि संयम से बात करें, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, या फिर शशि थरूर हो, कमलनाथ हो, ये लंबी फेरिस्त है, राज बब्बर हो, अपना कि इसका खमियाजा कांग्रेस को और राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से सार्वजनिक जीवन में, क्या व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बराबर व्यक्ति को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, मर्यादा का किसी भी सूरत में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और इस सच्चाई को भी राजनेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री कोई स्वयं में एक संस्था है, संस्था की मर्यादा को गिराना, उसकी प्रतिष्ठा को गिराना, यह कदापि से उचित नहीं ठहराया जा सकता, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। सर, राहुल गांधी भी कहते हैं कि 56 इंच का सीना देश को विकास की ओर ले जा रहा था, बात कर रहा था, लेकिन कहां गया, गलत में गया, राफेल जैसे जो घोटाले हैं जो उनके अनुसार, उसका आरोप लगा रहे हैं कि 56 इंच के सीना ने देश को बर्बाद किया। भाई, हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री क्या करे, है तो है। और मैं समझता हूँ जो कुछ भी 4.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने काम किया है, उसे भारतवासी ही नहीं बल्कि सचमुच विश्व भी स्वीकार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इस समय हमारा भारत दुनिया की
फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होकर आ चुका है, जो दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आज के 2014 में वह 9वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर 6ठे स्थान पर आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जो भारत 2014 के मई में 142वें स्थान पर था, आज वह 77वें स्थान पर आ गया है। यह सब सारी कामयाबी किसके कारण हुई है? इसी सरकार के कारण हुई है। भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करने में भी कामयाबी हासिल की है। सिस्टम में अधिकतम जो ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, वह ट्रांसपेरेंसी लाने में हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरह से कामयाब हैं। लेकिन आपने कहा कि भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करने में हमने सफलता हासिल की, लेकिन राहुल गांधी और पूरा अपोजिशन रफेल इसे बोफोर्स बनाने की कोशिश में है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी झूठ को बार बार बोलकर वह जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि जिस देश के साथ यह सौदा हुआ है उस देश के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति बोल रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हुआ है उस कंपनी का जो है CEO भी यह कह रहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माने उन देशों के लोग भी कह रहे हैं कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है, पूरे सौदे में एक पारदर्शिता रही है। कश्मीर, सर आप गृह मंत्री हैं, कश्मीर एक ऐसा जख्म है हम लोग के लिए पाकिस्तान के द्वारा जो ठीक नहीं हो रहा है। बार बार हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप कड़ाई करते हैं, लेकिन उधर से वैसे ही गोलीबारी होता है। हालांकि 12 आतंकवादी मारे गए, बड़ी सफलता हुई, आपको बहुत बहुत बधाई, देश को भी बधाई। अब यह है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, भारत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे बने, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे सेना के, हमारे सुरक्षा के जवान और हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस जो भी आतंकवादी पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए का भेज रहा है, उन सारे आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल कर रहे हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और अभी सब तो बात छोड़िए, आतंकवाद का जहाँ तक सवाल है, चीन, पाकिस्तान जो दावा करता है कि चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चीन के दूतावास पर पाकिस्तान में हमला हो गया, अब वहाँ के प्रधानमंत्री मिस्टर इमरान उसको कंडम करते हैं, उसे दुर्भाग्यपूर्ण बतलाते हैं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हो कि आपके यहाँ का पैदा हुआ आतंकवाद यह सबके लिए एक संकट पैदा करने का काम कर रहा है, या आतंकवाद का दंश सबको झेलना पड़ रहा है? और यदि इन आतंकवादियों को आप नहीं रोक पा रहे हो, आतंकवाद पर काबू नहीं कर पा रहे हो अकेले अपने दमखम के आधार पर, तो भारत अथवा अन्य पड़ोसी देशों का सहयोग क्यों नहीं प्राप्त करते इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, इस आतंकवाद का सफाया करने के लिए? केवल घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को सर अमेरिका ने भी एक तरह से टेररिस्ट स्टेट अपने आप को मान ही लिया है। करतारपुर साहिब एक बड़ा फैसला हुआ है, आप लोगों ने किया है, आप लोग कॉरिडोर जब खुलेगा हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे आएंगे, सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी एक बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा को लेकर। देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से जो भी सावधानी बरतनी चाहिए वो पूरी सावधानी बरती जाएगी, सारे प्रकाशन से लिए जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो सिख भाई थे, हमारे देश के रहने वाले, वो सारे आस्थावान लोग हैं और गुरु नानक साहब के प्रति तो सबकी गहरी आस्था है, चाहे हिंदू हो अथवा सिख हो अथवा किसी कौम का कोई क्यों हो। और यह चाहत हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों की भी थी, उन्हें करतारपुर गुरुद्वारे में जाकर दर्शन करने का एक अवसर प्राप्त हो, तो हम लोगों ने अपने कैबिनेट के माध्यम से इसको पारित किया है और अब उसका निर्माण शुरू होगा और आगामी कुछ ही समय में उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पाकिस्तान इसमें सहयोग करेगा। वसुंधरा राजे सबसे कमजोर कड़ी मानी जा रही है या राजस्थान कमजोर कड़ी माना जा रहा है बीजेपी की? एकदम गलत बात है कि वसुंधरा राजे कमजोर कड़ी, कांग्रेस के बारे में धारणा बनी हुई थी कांग्रेस अब नीचे आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान में ऊपर जा रही है, और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि राजस्थान में
भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने में कामयाब होगी। यानी परंपरा टूटेगा जो 20 वर्षों की यह परंपरा टूटती जा रही है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ इसके पहले भी जब दूसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी थी, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी बनी थी, इस बार वसुंधरा राजे वहाँ की मुख्यमंत्री है तो दूसरी बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, क्योंकि बहुत ही रिमार्केबल यानी बहुत ही उल्लेखनीय काम विकास के मोर्चे पर वसुंधरा जी ने किया है। आखिरी सवाल रहेगा सर, आपके सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी सुषमा स्वराज जी ने अगली चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, मध्य प्रदेश की सांसद है जहां हम लोग जा रहे हैं, ये इसे किस रूप में देखते हैं? स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने कहा है, लेकिन एक बड़ी बात है कि सुषमा स्वराज इतने कद्दावर नेता अब अगले लोकसभा में नहीं होंगे। नहीं, देखिए उसे शंका की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए, जो कुछ भी कहा है उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से भी कहा है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि जो पार्टी मेरे बारे में फैसला करेगी उसको मैं मानूंगा, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से ही ऐसा स्टेटमेंट दिया है, उसमें उसका कुछ गलत अर्थ अथवा कोई दूसरा अर्थ नहीं ढूंढा जाना चाहिए उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को वापसी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को वापसी, और राजस्थान जो माना जाता है कि बीजेपी के लिए सबसे कमजोर बकड़ी है वहां भी वसुंधरा राजे सत्ता में आएंगी, ऐसा गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पूरा भरोसा है। कैमरामैन दिनेशन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया।